अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपनी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं अपना। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे हमने आर सपोज किया और यहाँ पे हमारे पास थीटा है। सो हमारे पास सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए पहले हमें से आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर विद दैट एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास वन बच जाएगा। तो इसे हम चेक कर लेते हैं, एक्स बाय आर हमारे पास इससे इक्वल होता है। सो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, यानी वाई बाय हाइपोटेन्यूस वाई बाय आर, और कॉस थीटा हमारे पास इक्वल है एक्स बाय यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स बाय आर और वाई बाय आर ये, यानी इससे ज़्यादा हम पुट कर सकते हैं। कॉस थीटा होल पे स्क्वायर ले लेते हैं, इसी तरह हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं होल पे स्क्वायर ले लेते हैं इक्वल टू वन। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो ये हमने पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। अब हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं। और अब हम ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से। सो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल, पीछे हमारे पास वन बच जाता है, ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाता और ये आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाता। सो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता परपेंडिकुलर यानी वाई ओवर बेस बाय एक्स। यहाँ पे हम चाहें इधर और इधर स्टेप में कॉमन भी ले, होल पे स्क्वायर कर लें वाई बाय एक्स होल स्क्वायर आर बाय एक्स होल स्क्वायर। सो वन प्लस वाई बाय एक्स हमारे पास टेन थीटा होल स्क्वायर, आर बाय एक्स नहीं है हमारे पास एक्स बाय आर है, ये एक्स बाय आर हमारे पास कॉस थीटा, आर बाय एक्स हमारे पास सीटन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीटन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी है। अब हम इसे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। सो इससे तो पूरे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पास मैं कैंसिल, पीछे हमारे पास वन बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आर बाय वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे भी मैंने मिटा दिया। साइन थीटा वाई बाय आर से इक्वल था कॉस थीटा एक्स बाय आर से और टेन थीटा वाई बाय एक्स से। सो एक्स बाय वाई यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा वाई बाय एक्स, तो थीटा तो हमारे पास एक्स बाय वाई, तो थीटा होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू आर बाय वाई, यहाँ पे हमारे पास वाई बाय आर साइन थीटा, तो आर बाय वाई हमारे पास तो सीटेंट थीटा होता होल पे स्क्वायर, तो सीटेंट। तो आप ये देख सकते हैं हमने तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ कर लिया। सो आई होप आपसे वीडियो अच्छी लगी होती है, अगर आपसे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो से लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं खाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप मुझे बताते रहें तो मैं आप लोगों को क्या चीज़ समझाऊँ, और इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा।